दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसर। तो इस साड़ी को पेट्रोल वॉश करना है और ये साड़ी जो है ना प्योर पैठनी है, काफ़ी महंगी साड़ी है दोस्तों। बट ये जो है ना फॉल में बहुत ज़्यादा गंदी है दोस्तों। ये साड़ी फॉल में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसको भी क्लीन करना है दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। ये मेरे पास दोस्तों, ये मेरे पास पहले से MTO है, तो इसी को मैं यूज़ करूँगा क्योंकि डार्क कलर की साड़ी है और ये काफ़ी क्लीन MTO है दोस्तों। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है बट इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों साड़ी ड्राई क्लीनिंग के लिए। दोस्तों, ये जो मैं MTO यूज़ कर रहा हूँ, MTO सॉल्वेंट, ये 1.5 लीटर के आसपास MTO सॉल्वेंट है दोस्तों, क्योंकि साड़ी ये ना थोड़ी सी हेवी है, भारी भरकम साड़ी होती है। पैठनी जो भी साड़ी होती है ना, थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, तो इसके लिए इसको MTO 1.5 लीटर के आसपास चाहिए होगा दोस्तों। तो साड़ी को अच्छे से MTO में हमें मिला देना है और MTO से साड़ी ड्राई क्लीनिंग करना सबसे आसान है दोस्तों। बट इतना है कि आपको जो फॉल वगैरह है ना वो प्रॉपर अच्छे से स्क्रब करना है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ MTO में साड़ी डालने से धूल मिट्टी नहीं जाएगी, तो इसको ब्रश भी करना पड़ता है दोस्तों। जितना भी बॉर्डर है ना फॉल का, उतना सारा मैंने स्क्रब कर लिया दोस्तों। जहाँ जहाँ पे मैल है वहाँ वहाँ पे हमें ब्रश से स्क्रब करना है, हाथों से भी आप स्क्रब कर सकते हो। तो ये सेफ और इजी प्रोसेस है साड़ी क्लीनिंग की। दोस्तों, जितना मैंने MTO यूज़ किया उतना यहाँ पे रिकवर हो गया है दोस्तों। अभी ये साड़ी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। फॉल में बहुत ज्यादा खराब, दोस्तों ये देख लीजिए साड़ी एकदम बढ़िया से हो गई है और इसको हम अभी धूप में सुखाएंगे दोस्तों, तब जाके इसका स्मेल वगैरह सारा कुछ चला जाएगा। तो बस दोस्तों, ये काफ़ी महंगी साड़ी है और कस्टमर अगर अलाउ करता है 400 रुपये खर्च करने का, अभी हम कम से कम 400 रुपये ले रहे हैं दोस्तों, बाकी इसके तो 600 रुपये भी ले सकते हो, 800 रुपये भी ले सकते हो, क्योंकि साड़ी 10-15 हज़ार रुपये के आसपास होगी दोस्तों। तो बस ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।